खांसने के लिए मजबूर करते हैं।
कोई मॉडल नहीं, इनके पास किसी भी प्रकार का सुशासन का किसी भी प्रकार का कोई मॉडल नहीं, लेकिन इनके द्वारा चुनाव प्रारंभ होने के साथ ही शाहीनबाग, निजामुद्दीन और न जाने कहां कहां पर धरने प्रायोजित करवा दिए गए। जब इन धर्मों को मैं देख रहा हूं तो मैं पूरी मजबूती के साथ इस बात को कह सकता हूं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस बात को कह सकता हूं कि धरने तो एक बहाना है, नागरिकता कानून तो एक बहाना है, वास्तविक निशाना तो मोदी जी के कार्यकाल में गरीब कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हुए, और दूसरे कार्यकाल के दौरान देश की आकांक्षाओं की पूर्ति के जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए, उन निर्णयों से चिढ़ करके अब इन लोगों ने धरने के माध्यम से देश के सौहार्द को बिगाड़ने की कुत्सित मंशा के साथ इस प्रकार का राग अलापना प्रारंभ किया है।